हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने। नमस्कार आदाब, इस वक्त हम मौजूद है जनपद जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र में। जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र में 15 अक्टूबर को ठेकेदार अखिलेश यादव हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या करने वाले तीन अभियुक्तों को पुलिस SOG और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से घटना में प्रयुक्त एक तमचा, 12 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 12 बोर व एक नाजायज पिस्टल बरामद किया है। किस चीज़ का खुलासा किया गया? ये 15 अक्टूबर को बरपुर गांव निवासी ठेकेदार अखिलेश यादव की सुबह टहलते समय गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, तो उसी केस का आज सफल अनावरण किया गया है। जो अब तक प्रकाश में आया है कि अखिलेश यादव की एक जमीन मई चौराहे पर थी, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपये है। इस पर लालता प्रसाद यादव से इनका काफ़ी दिनों से विवाद था। इसमें अखिलेश यादव मुकदमा जीत गए थे, लेकिन लालता प्रसाद उसे कब्जा नहीं दे रहे थे। उसी विवाद को लेकर के इनके द्वारा मनीष यादव, धर्मेंद्र यादव, इनको 5 लाख रुपया दे करके इनका मर्डर करवाया गया था। इसमें धनंजय और संदीप दो लोग ये हैं जो रैकी में शामिल थे, और देवेंद्र उर्फ बंदूखे जो गिरफ्तार किया गया है, इसने इन शूटरों को पहचान करवाई थी। तो इस प्रकार से कुल इसमें अब तक 6 लोगों का नाम प्रकाश में आया है, उसमें से 3 गिरफ्तार हो गए हैं। एक शूटर है, एक रैकी करने वाला है और एक घटना को कराने वाला है। अभी 3 मुलजिम इसमें शेष है। कोई गांव का भी था इसमें जिसने रैकी की थी? हाँ, ये देवेंद्र उर्फ बंदूखे गाँव का ही है। ये वकील कौन है? वकील का भी नाम? यही लालता प्रसाद वकील भी हैं। ये वकील जी में भी कोई वारदात या कभी नाम रहा शामिल जी? किसी अन्य घटना में कोई आपराधिक इतिहास इन सब का रहा है सर? नहीं, इसमें एक अभियुक्त है जिसके पहले के 3-4 मुकदमे हैं, बाकी और किसी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। क्या क्या इनसे बरामद हुआ है? एक इनसे जो है पिस्टल 7.65 mm की बरामद हुई है, क्योंकि उनको गोली भी इसी पिस्टल से मारी गई थी। मौके से 4 खोखा इसके बरामद हुए थे। एक दूसरा 12 बोर का एक तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं।